क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैं थर्ड करवा रहा हूं एबी फॉर्मूले से जो होमवर्क था। थर्ड में है बच्चों प्रूव दैट 10, 20, 10, 40, 10, 80 इज इक्वल टू √3। राइट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना बच्चों आप सभी। सबसे पहले आप इसको लिखोगे sin 20, sin 40, sin 80, और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था cos 20, cos 40, cos 80 विद sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों 10, तो ठीक है ना, इज इक्वल टू √3। तो मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं पहले न्यूमरेटर को सोल्व करूंगा और फिर डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा। sin 20, sin 40, sin 80 अगर मुझे फॉर्मूले लगाने हैं, AB फॉर्मूलेस, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है और इसके लिए मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, 2 sin 80 sin 40 sin 20। ठीक है, आप यहां पर 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा दो, तो 1/2 2 sin A sin B क्या होता है, sin A sin B। यस बच्चों, 2 sin A sin B क्या होगा, cos A minus B minus cos A plus B, और बाहर है बच्चों sin 20 cos 120 डिग्री। मैंने बताया था बच्चों कितना होता है cos 120 minus 1/2 होता है, लास्ट क्लास में भी समझाया था। अब आप ब्रैकेट सोल्व करो, 1/2 cos 40 into sin 20 minus or minus plus 1/4 sin 20 degree। ठीक है, अगेन बच्चों मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 cos 40 sin 20 और प्लस में 1/4 sin 20। ठीक है, अब यहां पर फिर फॉर्मूला लगाओ, 2 cos A sin B। यस बच्चों, 2 cos A sin B का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos A sin B क्या होता है बच्चों, sin A plus B यानी 60 डिग्री, sin A plus B फिर माइनस sin A minus B यानी 40 minus 20 20, और बाहर है बच्चों 1/4 sin 20। तो अपनी दोनों आंखों से देखो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा sin 60 √3/2 होगा, -1/4 sin 20 plus 1/4 sin 20, तो √3/8 आ गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू बच्चों, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है √3/8। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी स्टाइल से हम डिनोमिनेटर करेंगे, जल्दी से बच्चों न्यूमरेटर नोट कर लो। फास्ट बच्चों, न्यूमरेटर को सोल्व कर नोट, ये सोचो, तो जिसने नोट नहीं किया वो रिकॉर्डेड वीडियो में कर लेना, √3/8 याद रखना, हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू आई है √3/8। ऐसे बच्चों अब हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल से cos 20 cos 40 cos 80, 1/2 into 2, बड़ा एंगल बच्चों पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं मैं हमेशा, उससे मेरी मिस्टेक नहीं होती। 1/2 into 2 cos A cos B क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, cos A plus B plus cos A minus B। क्लियर, और बाहर बच्चों cos 20 है, तो 1/2 cos 120 minus 1/2। ठीक है, अब फिर बच्चों इसको सोल्व करो, तो -1/4 plus 1/2 cos 40 cos 20, हम यहां तक आ गए। ठीक है, अब आप फिर बच्चों देखो, आप -1/4 plus 1/2 यहां पर है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहां पर आ गया 2 cos 40 cos 20। क्लियर, अब यह है -1/4 plus 1/4 2 cos A cos B, यहां पर फॉर्मूला लगा दो 2 cos A cos B का, cos A plus B plus cos A minus B। क्लियर, -1/4 plus 1/4, कुछ मिस्टेक हुई है ना,
कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों। यस, तो माइनस वन बाय फोर कॉस 20 माइनस वन बाय फोर कॉस 20, ये ब्रैकेट ओपन की थी ना हमने, माइनस वन बाय फोर कॉस 20। ओके बच्चों, माइनस वन बाय फोर कॉस 20 प्लस वन बाय फोर कॉस 60 होता है बच्चों 1/2 प्लस वन बाय फोर कॉस 20 कैंसिल हो गया तो 1/8 आ गया बच्चों। क्लियर, याद करो बच्चों कि हमारा न्यूमरेटर क्या आया था, ये हमारी LHS है, ये LHS है बच्चों, तो याद करो LHS में न्यूमरेटर आया था रूट 3/8 और डिनोमिनेटर आया बच्चों 1/8, तो इसको कटिंग करने से रूट 3, तो ये RHS आ गई, हेंस टू। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो बच्चों जल्दी से, जिसको भी नहीं आता जल्दी से सॉल्यूशन नोट कर लो। यस, तो सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पर, सेवंथ क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, आपको प्रूव करने हैं साइन अल्फा प्लस प्लस 2π/3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आरडी शर्मा की क्वेश्चन है बच्चों, साइन अल्फा प्लस एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, ये सभी आरडी शर्मा क्वेश्चन है, ये सेवंथ क्वेश्चन ट्रिपल टी लगाओ। यस बच्चों, सभी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और एनसीईआरटी के अलावा मैं असाइनमेंट बनाता हूं, ये सब आरडी शर्मा एमएल अग्रवाल वहां से बनती है, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टीचर्स पसंद करते हैं, जो स्कूल के एग्जाम में तुम्हें देते हैं, वही क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं, राइट, मेरे रजिस्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैं ही करवाता हूं। ओके बच्चों, अब सबसे पहले मैंने आपको हिंट दिया था, याद करो मैंने होमवर्क पे लिखा था यहाँ सी एन डी, तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि आपको सी डी फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। यस बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों, टू साइन सी प्लस, क्या तुम इनको पहले एंगल में चेंज करना चाहोगे, ये 120 होता है और ये 240 होता है, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों, एंगल उसको डिग्री में ले आओ, भाई पाई क्या होता है 180, 180 बाय 3 कितना होगा 60, 64 जब कितना होगा 240, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, टू साइन सी सी प्लस डी बाय 2, राइट, कॉस सी माइनस डी बाय 2, समझ आ गया बच्चों, तो c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इसका फायदा देखते हैं बच्चों क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस 2 साइन, यहां पर अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, और ये 360 बाय 2, ठीक है, और कॉस यहां अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया माइनस 120 बाय 2, तो ये हो गया बच्चों 60, 120 माइनस 240 माइनस 120, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम में साइन अल्फा प्लस 2 साइन, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस 180, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 180 प्लस अल्फा बाई 360 बाई 2 कितना होगा 180, और 2 अल्फा बाई 2 कितना होगा 2 अल्फा सॉरी, तो 180 प्लस थीटा, जैसे 180 प्लस अल्फा 180 प्लस थीटा, राइट, कॉस माइनस 60, माइनस एंड डिसअपीयर हो जाएगा कॉस 60। अब बच्चों अपनी दोनों आंखों से देखो, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, 180 प्लस थीटा थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और 180 का चेंज नहीं होगा, राइट, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सोच कर देखो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो आंसर आपका जीरो आ गया, RHS हेंस टू, ये आपको प्रूव करना था। एनी डाउट, एक एक स्टेप देखो नीट एंड क्लीन किया मैंने। एट्थ क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी लगा लेना बच्चों, 100% लिख लेना। वैसे तो बच्चों एक बात याद रखना, मैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में,
राइट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पता है बच्चों, आई लव ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहला प्यार मेरा ट्रिग्नोमेट्री है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा प्यार मैं किसी से भी नहीं करता। यस, तो प्रूव दैट कॉस 8a कॉस 5a माइनस कॉस 12a कॉस 9a और नीचे बच्चों साइन 8a साइन और कॉस कॉस 5a प्लस कॉस 12a और साइन 9a इज इक्वल टू टेन 4a, ये मुझे प्रूव करना है। राइट, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अगर बच्चों मैंने बताया था आपको कि अगर दो कॉस या साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें टू भी होना चाहिए, तो इट्स वेरी सिंपल, आप सब जगह टू लगा दो भाई, उसमें क्या है, आप एलएचएस लो और सब जगह टू लगा दो, ठीक है, इस क्वेश्चन में सब जगह टू लगा दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो और टू से डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, समझ आ गया, आप न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करो, तो ये काम हम कर सकते हैं, आप सबके साथ टू लगा दो। अब आप फॉर्मूले लगा दो, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और मैंने ये भी बोला था कि होमवर्क करने से पहले फॉर्मूले याद कर लेना ताकि तुम बिना फॉर्मूला देखे लगाओ, उससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब बच्चों टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, बच्चों टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी यानी 13a cos a plus b plus cos a minus b, इसमें से इसको माइनस करो तो 3a, ठीक है। अब बच्चों यहां पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, यहां पर भी cos a plus b यानी 12 और 9 21 cos a plus b plus cos a minus b, 12 में से 9 माइनस कर दो 3a, ठीक है बच्चों, राइट। और नीचे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b बच्चों क्या हो जाएगा, 2 sin a cos b sin a plus b यानी 13a plus sin a minus b यानी 8 minus 5 3a, अब प्लस यहां पर लगाओ 2 cos a sin b का फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों sin a plus b यानी 21a minus sin a minus b यानी 3a, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि जरा से भी गलती होगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूले बच्चों सबको याद रहने चाहिए, कोई गलती तो नहीं हुई ना बच्चों, cos 3a से cos 3a उड़ा दो, ऊपर क्या बच गया बच्चों cos 13a माइनस cos 21a, नीचे भी कुछ कैंसिल होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा sin 13a प्लस साइन 21a, याद करो आप सभी बच्चे कि सीडी फॉर्मूला कब लगाते हैं, सीडी फॉर्मूला तब लगाते हैं जब या तो दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो और नीचे प्लस या माइनस साइन हो, तो अपनी दोनों आंखों से देखो सी डी राइट, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन C माइनस डी, तो माइनस एट ए बाई टू, ऐसे बच्चों आप नीचे करोगे साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 13 माइनस 21 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस एट ए बाई टू, इट्स ओके, अपनी दोनों आंखों से देखो ये कैंसिल हो गया, सेम सेम 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया बच्चों मेरे पास, एक तो बाहर माइनस पड़ा हुआ है और यहां से साइन माइनस 4a साइन माइनस 4a और नीचे बच्चों यहां पर कॉस माइनस 4a कॉस माइनस 4a, ठीक है, ये वाला माइनस से बाहर आ जाएगा, कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं आता, पता है ना बच्चों, तो साइन 4a ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा और cos में से माइनस साइन डिसअपीयर हो जाते हैं, sin by cos क्या होता है बच्चों 10, तो 10 4a मेरा आंसर आ गया, RHS आ गया बच्चों, any doubt, कुछ डाउट कुछ पूछना है बच्चों किसी ने, सभी बच्चे
न्यू पेज निकाले, रजिस्टर का न्यू पेज, रजिस्टर का न्यू पेज निकाले सभी बच्चे ही, और ऊपर लिखे व्हाट्सएप आरडी, व्हाट्सएप आरडी बच्चों, व्हाट्सएप ट्रिग्नोमेट्री, बैकग्राउंड में लिख दो आरडी शर्मा। यस, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन अच्छे टीचर्स इसको पसंद करते हैं, उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर देते हैं, ठीक है, पर आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो आप, आरडी हॉर्स लिख लिया बच्चों रजिस्टर के टॉप पर। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टेन 56 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11 माइनस 7 11 डिग्री। ये डिग्री है बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। यस, टेन 56 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 अपॉन में कॉस 11 माइनस साइन 11। एलएचएस लेंगे हम, राइट। अब हम एलएचएस लेंगे, एलएचएस में ध्यान से देखो आप, 56 को क्या मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 11। अब तुम कहोगे सर आपने 45 प्लस 11 ही क्यों सोचा, भाई मेरे आंसर में राइट हैंड साइड पर 11 डिग्री है, राइट, इधर देखो 11 डिग्री है, 11 डिग्री है तो मुझे 11 चाहिए, इसलिए मैंने 56 को तोड़ दिया 45 प्लस 11, आरएचएस को देखकर मैंने डिसीजन लिया, ठीक है, राइट बच्चों। अब आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, सभी बच्चे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन 45 वन होगा, राइट बच्चों, टेन 45 क्या होता है वन, यहां तक कोई डाउट। अब आप सभी बच्चे टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, यस, तो वन प्लस टेन 11 को लिखो साइन 11 बाई कॉस 11 और एलसीएम ले लो, राइट, टेन 11 डिग्री को लिखो साइन अपॉन कॉस और एलसीएम ले लो। जैसे आप एलसीएम लोगे कॉस 11 प्लस साइन 11 कॉस 11 माइनस साइन 11 आपकी आरएचएस आ जाएगी, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो ये आपको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है, तो नोट कर लो इसको बच्चों जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, ओके बच्चों। अब ये तो था बच्चों एलएचएस से हम आरएचएस पर आए, चलिए देखो बच्चों कि आरएचएस से हम एलएचएस पर कैसे आएंगे। कॉस 11 प्लस साइन 11 कॉस 11 माइनस साइन 11। अब जो मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूँ वो डायलॉग आपको मार्च 23 तक याद रखना है, मार्च 23 12th क्लास तक जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ वो 12th क्लास तक चलेगा। यस, ये शक्ल देख लो बच्चों, कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, इस शक्ल को अच्छी तरह से देख लो, जैसी ये शक्ल आपको दिखाई देगी आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, आपने कॉस से डिवाइड करने, इस शक्ल को अच्छी तरह से पहचान लो, मार्च 2023 तक 23 तक आप इस जैसी शक्ल देखोगे आप कॉस से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस 11 डिग्री, कॉस 11 डिग्री से डिवाइड कर दो बच्चों, सभी सबके नीचे कॉस 11 डिग्री लगा दो सबके नीचे, यस, तो 1 प्लस ये बन जाएगा टेन 11 1 माइनस टेन 11, ठीक है, आप cos 11 डिग्री से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे सभी को, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन 11 अपॉन 1 माइनस टेन 11। अब रजिस्टर के टॉप पर एक फॉर्मूला लिखो, राइट डाउन टेन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर यहाँ प्लस है तो सामने प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो सामने माइनस है नीचे प्लस है, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों सभी बच्चे, tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन। तो देखो आप ध्यान से देखो इसकी शक्ल इससे मिलती है ना बच्चों, इसकी शक्ल इससे मिलती है, then this is equal to tan 45 प्लस 11 और 45 प्लस 11 क्या होता है 56, तो आरएचएस से
हम LHS पर आ गए। ये वाला मेथड, ये स्टेप्स आपको याद करने हैं। अगर आप RHS उठाना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, LHS लेना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, राइट। 12th क्लास में, मैं फिर बता रहा हूँ, 12th क्लास में इसका सबसे ज्यादा यूज है। ये जो मैंने मेथड करवाया ना 12th क्लास में, इसका सबसे ज्यादा यूज है बच्चों, पूरा साल, ठीक है। ट्रिपल टी लगा लो बच्चों। आज ऐसे हॉट्स लिख दिए मैंने, हॉट्स का मतलब हॉट में। रेडी बच्चों सभी? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना बच्चों आप ध्यान से। कॉस ए की वैल्यू -24/25 और कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू 3/5। ए लाई करता है बच्चों पाई टू 3π/2 में, ए लाई करते हैं, और बी लाई करता है बच्चों 3π/2 टू 2π में, ठीक है। फाइंड साइन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, ये क्वेश्चन है बच्चों, राइट। ट्रिपल टी बच्चों, सारे हॉर्स वाले आज क्वेश्चन सारे हॉर्स वाले होंगे, ये क्वेश्चन है, ओके बच्चों, यस। बोर्ड पर ध्यान से देखना बच्चों आप, सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, राइट। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पर मेरे पास साइन ए नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कोस ए की बच्चों ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल मेथड याद करो, मैंने ट्रायंगल मेथड करवाया था। और ए बच्चों किस में लाई करते हैं, 180 और 270, 180 और 270 का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो देखना बच्चों इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूं, यस सॉल्यूशन बच्चों देखना, आप इधर कॉस की ट्रायंगल बनाओ, कॉस ए की ट्रायंगल, कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लगाना बच्चों पाइथागोरस थ्योरम और मुझे परपेंडिकुलर बता दो, यस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 25 को कितना होगा, 625, 625 माइनस 576 करना बच्चों कितना हो गया, हाँ बच्चों 49, चेक करना बच्चों, 625 में से 576 माइनस कर दो, 49 का स्क्वायर रूट करो बच्चों, 7 आ गया बच्चों, ठीक है, यस बच्चों। अब बच्चों आप क्या करोगे, एक ये वाली ट्रायंगल बन गई, अब बताओ यहां से मुझे जिसकी रूट होगी मैं ले लूंगा, दूसरी ट्रायंगल बनाओ बी की, दूसरी ट्रायंगल बच्चों बी की बनाओ, कॉस बी क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज 3π, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप 25 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, तो दो ट्रायंगल बना लो। सबसे पहला काम, जैसे ऐसा क्वेश्चन देखो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना दिया करो। अब बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए की वैल्यू यहां से उठाओगे इस ट्राइंगल से, साइन ए क्या होता है बच्चों पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लेना, नहीं याद तो पी अपॉन एच, तो बताओ यहाँ 7/25 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कौन बताएगा मुझे कि यहाँ पर प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, यस ध्यान से देखो, एक इसमें लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच में, यस वेरी गुड। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होते हैं, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा, फिर एक बार सुन लो, क्योंकि एक इसमें लाई करता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लगाया। अब कॉस बी बच्चों, कॉस बी तो दे ही रखे 3/5, अब आ जाओ इधर कॉस ए,
यहां से cos a निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25, और ये दे रखा है बच्चों cos a तो -24/25। अब sin b बताओ बच्चों, sin b यहां से आएगा p अपॉन h, बताओ प्लस का या माइनस का, जल्दी बताओ बच्चों, sin b 4/5 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, यस ख्याति ने माइनस बोले हैं, वेरी गुड। क्यों बच्चों, क्योंकि जो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, b किस में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड बच्चों, b किस में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जिस बच्चे को क्वाड्रेंट की नॉलेज है, जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे प्लस या माइनस है लेना है, उसकी ट्रिग्नोमेट्री अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। फॉर्मूले याद होनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन प्लस माइनस से बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों सोल्व करो इसको जल्दी से, फाइनल आंसर बताओ मुझे, करो बच्चों सोल्व करो, -21 और नीचे 125 है, और यहाँ पर 96 और नीचे 125 है, कितना हो गया बच्चों ये 75/125, तो 25 3 और 5 तो 3/5, तो बच्चों आंसर आ रहा है 3/5। एनी डाउट, 3/5 आंसर। ऐसे बच्चों tan ऑफ a माइनस बी क्या होगा बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर, तो एक मिनट का टाइम देता हूं, पहले आप करो, जल्दी से करो बच्चों, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। आंसर बोलो बच्चों जल्दी से, क्या किसी ने किया बच्चों, कोई भी नहीं है। हाँ बच्चों, tan a की वैल्यू निकालो ना बच्चों ट्राइंगल से, अभी तो समझाया सारा मैंने, tan a की वैल्यू ट्राइंगल से निकालो, क्या होगा बच्चों tan a की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a कितना आ जाएगा 7/24 प्लस या माइनस, बस आपको ये सोचना है प्लस या माइनस। भाई tan a ये कौन सा a किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, ओके। tan b, tan b बच्चों क्या होगा 4/3, राइट, यहां माइनस है, क्यों माइनस है बच्चों, क्योंकि ये जो tan b है, b बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। ऐसे बच्चों 1 प्लस 7/24 और इनटू -y 4/3, तो सोल्व कर लो बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 7/24 प्लस 4/3 1 माइनस 28/72। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब एलसीएम ले लो, तो 21 प्लस 96 और नीचे 72 कैंसिल हो जाएगा, और 72 माइनस 28, सोल्व करना बच्चों, 7 11 और यहां पर -10 2x -10x। इस क्वेश्चन में खास बात है बच्चों, ध्यान से देखो, खास बात क्या है कि एंगल्स को देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, x है, यानी 2 और 3 बन गया ना बच्चों, यानी 3 के दो टुकड़े हो गए, देखो 2 और 1, ठीक है ना, 3 2 1, यानी इन दोनों को प्लस करूंगा मैं तो 3x आ जाएगा, है ना, ये इस क्वेश्चन में खास बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा मैं, राइट। तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करोगे, बोर्ड पर लिखना, वी नो दैट 3x = 2x + x, यस वी नो दैट 3x = 2x + x। अब आप क्या करो, दोनों तरफ tan लगा दो बच्चों, tan
दोनों तरफ टेन लगा सकते हो, टेन थ्री एक्स टेन ऑफ टू एक्स, ओके बच्चों। और इसके बाद आप यहां पर फॉर्मूला लगा दो टेन ए प्लस बी का, क्या होता है बच्चों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला लगा दो। इस ट्रिक को याद रखना जो मैंने किया बच्चों, जो मैंने एडजस्टमेंट करी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ऐसे 3x के दो टुकड़े करो, 2x plus x और tan a plus b का tan a plus b का फॉर्मूला लगा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो tan 3x into 1 minus tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, राइट। आपका आंसर आ चुका है tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to tan 3x tan 2x और tan x, ठीक है। Hence true। तो आप ये देखो मुश्किल नहीं था, बस एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जो मैंने करी है, उस एडजस्टमेंट से आंसर आया बच्चों, ठीक है। और किसी मेथड से आंसर नहीं आएगा। बच्चे पूछते हैं सर कोई और तरीका है क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है। जल्दी से करो बच्चों, इसको नोट करो, ओके। अब आप बोर्ड पर देखना, आप सभी यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, आपको प्रूव करना है वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू, ये आपको प्रूव करना है। यस, बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे, ये आपको प्रूव करना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। ये वाला मैं रब कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो बच्चों कि कैसे प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप स्टार्टिंग ना यहां से करो, जो गिवन है ना आपको यहां से स्टार्टिंग करो, a plus b is equal to pi by 4, ठीक है। आप दोनों तरफ 10 लगा दो बच्चों। आप स्टार्टिंग कैसे करोगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में, आपको गिवन है a plus b is equal to pi by 4, आप दोनों तरफ 10 लगा दो, tan of a plus b is equal to tan of pi by 4, और लेफ्ट हैंड साइड पर tan a plus b का फॉर्मूला लगाओ, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, और tan 45 क्या होता है, pi by 4 क्या होता है बच्चों 45, और tan 45 क्या होता है 1। अब सभी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, नोट करो फॉर्मूला लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a tan b आएगा, क्लियर। एक बात बताओ, इसको मैं लेफ्ट में ला रहा, लेफ्ट में, तो tan a plus tan b plus tan a tan b अपनी दोनों आंखों से देखो, राइट। अब आप इसको देखो, यहां पर 2 है ना बच्चों और यहां पर 1 है ना, तो मैं 1 ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 बोथ साइड, क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि यहां पर मुझे 2 लाना है, 2 लाना है तो मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 1 ऐड कर दो तो 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 2। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी बच्चे को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा, किसी बच्चे को डाउट है इस टाइम में, कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? है बेटे, क्या कहने, दोबारा बोल। नहीं मैं समझ नहीं रहा, तेरी आवाज क्लियर नहीं है बेटे,
वाइस वर्सेस से बाद में पूछ ली। एलएचएस का यूज करके कहना चाहती है कि एलएचएस का यूज करके ओके बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन करने के नए नए तरीके भी होते हैं, अलग अलग मेथड से भी आप कर सकते हो। आप करना रिसर्च, R&D करना बच्चों, आप नए नए तरीके से कर सकते हो। यस भाई, मैं वो मेथड के बात करूं जो सबसे आसान होता है। ऐसा नहीं है कि तुम LHS लोगे तो आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। जिसके पास दिमाग है बच्चों वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, जिसको इधर से उधर करना आता है, सारी वैल्यूज पुट करनी आती हैं, वो LHS को सोल्व करके भी आंसर ले आएगा। तो जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, जो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आंसर लाने की हिम्मत रखता है, वो बच्चा जीनियस होता है, राइट। तो ये मैं ही नहीं कह रहा कि तुम केवल मेरा मेथड ही फॉलो करो, ऐसा नहीं है, तुम अपने मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, आप इन दोनों में से आप 10 भी कॉमन ले लो, बस मेरे मेथड से ना क्या होता है बेटे, आंसर थोड़ा जल्दी आता है। दोनों से 10 भी कॉमन ले लो, 10 भी कॉमन लोगे, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन का मुकाबला नहीं है भाई। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, नेवर। जो अब ऑफलाइन, अब जैसे 12th का बैच था 4 से 5, पता है 4 से 5 12th के बैच में सारे बॉयज गर्ल्स सभी थे, पता है सेक्टर 18 से लड़कियां आई हुई थी, पीतमपुरा से लड़कियां आई हुई थी, है ना, और सेक्टर 8 से लड़कियां आई हुई थी, लड़के भी आए हुए थे, कम से कम 15 बच्चे बैठे हुए थे 4 से 5 12th क्लास में। 10th में भी मेरे पास 9 बच्चे बैठे हुए थे, तुम्हारे से जो पहले वाला बैच होता है। तो बच्चे ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में बल्कि डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों, तुम्हारे में से कोई आना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो किसी को कुछ डिस्कशन करनी है वो सुबह कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, यहाँ आके भी कर सकते हो, पर तुम नहीं आना चाहते, तुम्हारे में से कोई भी नहीं आना चाहता। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों में से 10 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया, 1+10 ही आ गया, राइट। अब आप ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, फैक्टर सुना रहा हूं बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1+10 ही दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 1+10 ही कॉमन आ गया इन दोनों में से, दोनों में से। तो यहां पर क्या बच गया, 1, और यहां पर क्या बच गया, 10 भी। जैसे आप फैक्टर सुनाते हो बच्चों, = 2, तो RHS आ गई, सॉरी हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट प्रूव कर दी ना, 1+10A × 1+10B = 2, पूरी स्टेटमेंट ही प्रूव कर दी ना। तो देखो आप एक बार सारे स्टेप्स घर पर देखना, दोबारा देखना, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। यस, जो अच्छे बच्चे हैं वो कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बात हूं मैं। रजिस्टर के टॉप पर एक स्पेशल, दो स्पेशल फॉर्मूले लिखेंगे, उनसे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। दो फॉर्मूले लिखो बच्चों सभी रजिस्टर के टॉप पर, राइट डाउन और बॉक्स में डाल देना इन फॉर्मूलेस को, रेड पेन से, ग्रीन पेन से आर नोट करना, बॉक्स में डाल देना बच्चों फॉर्मूलेस को, cot A+B, बॉक्स में डाल देना बच्चों इनको, cot A+B का फॉर्मूला होगा cot A cot B −1 अपॉन में cot A + cot B। कभी कभी यूज होता है बच्चों, फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन कभी कभी, आज जो मैं होमवर्क दूंगा उसमें इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, तो कभी कभी यूज होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होते, फिर भी याद तो करना ही है ना बच्चों, ठीक है। तो cot A + B का फॉर्मूला cot A cot B −1 अपॉन cot A + cot B, एक ही याद करना है बच्चों। एक और फॉर्मूला लिख लो, cot A − B का फॉर्मूला, cot A cot B + 1 अपॉन cot B − cot A। ये गलती मत करना बच्चों, ध्यान से देखो आप, cot A − B है ना, तो पहले B आएगा फिर A आएगा। देखो यहाँ पर cot A − B है, तो नीचे अगर तुमने cot A − B लिख दिया ना, तो गलत हो जाएगा। cot A − B के फॉर्मूले में नीचे पहले B आएगा, बाद में A आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। और यहां माइनस है तो यहां प्लस है,
यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, ये दो फॉर्मूलेस आप बॉक्स में डाल दो, इनको याद करो। देखिए ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटे, आप ऑडियो मैसेज भेज देना बेटे, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज देना। क्या आप ये कहना चाहते हो कि टेन के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये कहना चाहते हो? यस सर, ओके। तो बेटे जो टेन के फॉर्मूले बड़ा मुश्किल होगा, आप हर बार कहाँ निकालते रहोगे, निकाल तो सकते हैं हम, गलत नहीं हो आप, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हर क्वेश्चन में टेन का पहले फॉर्मूला उसको सोल्व करते रहोगे, रिड्यूस करते रहोगे? इससे बेटर है फॉर्मूला याद कर लो आप, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा बेटे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैं होमवर्क में जो क्वेश्चंस दूंगा उनके कुछ हिंट दे रहा हूं मैं आपको कैसे। जैसे मान लो 70 लिखा है और इक्वेशन में 10 70 है, 50 भी है, 20 भी है, ऐसा क्वेश्चन, तो आप कैसे करोगे? आप लिख सकते हो 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 20, लिख सकते हो ना? तो आप दोनों तरफ 10 लगा लेना, फिर फॉर्मूला लगाना 10 प्लस बी का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर तक जाने की कोशिश करना। मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसी मान लो मैं किसी क्वेश्चन में कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालो। यस, साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे आप? साइन 2 अल्फा को मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लिख सकते हो अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस करोगे, बीटा माइनस करोगे, तो ये बन जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, 2 अल्फा को मैंने लिखा है अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस किया है, बीटा माइनस किया है, और फिर ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। इसको आप ए बोल देना, इसको आप बी बोल देना, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना। अब तुम कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में क्वेश्चन में ना मैं आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दूंगा मान लो 3/5, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैं होमवर्क में दूंगा मान लो 4/5। लेट बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी मैंने, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे दी मैंने, तो ट्राइंगल मेथड से आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा है फाइंड साइन 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा को देखो मैंने क्या गेम खेला, अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस कर दिया, बीटा माइनस कर दिया, फिर ये एडजस्टमेंट मैंने करी है। मैं वर्कशीट में भी मैं ये हिंट लिख दूंगा, ठीक है, राइट, ताकि तुम अपना दिमाग चला सको। तो आज मैं होमवर्क में आज सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ, थोड़ा सा आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो मैंने करवाया है इसी से रिलेटेड ही होमवर्क दूंगा, ठीक है? मुश्किल नहीं है, जब मैं साथ हूँ तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ऑनलाइन की प्रॉब्लम जरूर होती है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप मुझसे मॉर्निंग में बात कर सकते हो, ठीक है, रात को 8 वॉइस मैसेज देकर 8 बजे के बाद बात कर सकते हो। जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो बच्चे होमवर्क नहीं करते ना बस वो मार खाएंगे, उनको दिक्कत होगी, ठीक है? चलते हैं बच्चों, बाय बाय, होमवर्क मिल जाएगा आपको, बाय बाय बच्चों, बाय बेटे। मैं वीडियो ऑफ कर दूं पहले।